हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है CUT एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इन्होंने क्या करा है, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि आपका है जनरल टेस्ट, ज़रूरी नहीं है आपको देना है, जो यूनिवर्सिटी आपकी रिक्वायरमेंट करेगी कि हाँ इस कोर्सेज के लिए ये चाहिए, तो हाँ वहाँ पे आपको ज़रूर ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके सेक्शन में जो आपका सिलेबस था वो तो सेम है ना, जो GK था, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का, देन आपका एनालिटिकल रीजनिंग था, क्वांट एप्टीट्यूड था, तो वो सब तो सिलेबस था ही था, बट इसमें ही इन्होंने कुछ चेंजेस करे है, ठीक है डियर। तो देखो क्या था, देखो चेंजेस क्या है वो देखते। पहले क्या था, इन्होंने जो सेक्शन 3 का सिलेबस दे रखा था तो वो कुछ इस टाइप से था। क्या था उसमें, उसमें इन्होंने बोला था कि टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 60 आपको करने हैं, ठीक है डियर। 75 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। बाद में इन्होंने क्या करा, इन 60 क्वेश्चंस को, मतलब 75 क्वेश्चन को, 60 को नहीं, 5 सेक्शन में डिवाइड करा था। पहला सेक्शन इन्होंने बोला था जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, दूसरा जनरल एबिलिटी, तीसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा क्वांटिटिव रीजनिंग, इसमें ना वही 8 तक की मैथ्स बात कर लो, फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग था। ये 5 सेक्शन थे और इन 5ों सेक्शन में ये बोला था कि हर सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। हर सेक्शन में कितने हैं डियर, 15 क्वेश्चन, और उसमें भी आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है डियर। तो इसमें क्या हो सकता था कि कोई बच्चा ये होता कि सर मैं तो सपोज मेरा मन कर रहा है कि 75 में से 60 करने हैं सर, तो मेरे को सर GK में थोड़ा कम आ रहा है, GK मेरे को नहीं पढ़नी या पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या सोचता था कि जनरल नॉलेज या करंट अफेयर का सेक्शन मैं छोड़ दूंगा, तो उसमें से जैसे 15 क्वेश्चन थे तो 15 क्वेश्चन हट जाएंगे, है ना। बच्चे 60 क्वेश्चन 4 सेक्शन में से 60 में से 60 कर लूँगा, बट इन्होंने ये भी यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि ये 12 क्वेश्चन हैं, मतलब 15 में से 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है डियर। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई आप सेक्शन छोड़ के जाओ, क्योंकि हर एक सेक्शन से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो वो बच्चा जो सोच रहा था उस टाइम कि कोई हर एक सेक्शन में से नहीं कोई एक छोड़ दूंगा, तो उसके लिए यहाँ पे नुकसान था। बट रिसेंटली अभी NTA ने अपना नया सिलेबस अपडेट करा है अपनी वेबसाइट पे, है ना, जो CUT की वेबसाइट है उस पर अपलोड करा गया है। उस सिलेबस में इन्होंने सेक्शन वाला काम हटा दिया है। तो मतलब जो बच्चा ये सोच रहा था कि सर मैं तो एक सेक्शन को छोड़ दूंगा, तो उसके लिए हो सकता है वो बेनिफिशियल हो, ठीक है, है ना। तो वो ऐसे बचे हुए 4 सेक्शन में से ही कर सकता है, और या फिर हो सकता है, है ना, और पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें कुछ नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा था कि आपके टोटल इनमें से 15 क्वेश्चन हर एक के थे और 12 अटेम्प्ट करने थे, मतलब हर एक सेक्शन के 15 क्वेश्चन तो आपके आने कंपल्सरी है, है ना, 15 सबके आने कंपल्सरी हो गया, ठीक है। लास्ट सेक्शन कहाँ गया रे, नीचे हो, ठीक है, ये लास्ट सेक्शन, तो हर एक में से आपका 15 कंपल्सरी था, 15 इसमें से 15 इसमें से कंपल्सरी था कि हर एक सेक्शन को कुछ ना कुछ पोर्शन तो मिलेगा। बट अब जो नया अपडेट करा है इन्होंने, अपडेट ये करा है, आप देख सकते हो, ये इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि कौन से 5 सेक्शन होने वाले हैं। इन्होंने सिंपल सा 501 देख लोगे, जनरल टेस्ट, इसमें से इन्होंने सिर्फ ये सिलेबस मेंशन करा है कि ये सिलेबस आपको फॉलो करना है, और वो वही बोला है 75 में से 60 क्वेश्चन करना है। अब जब सिलेबस उन्होंने डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब कोई भी कंपल्सरी नहीं है कि GK के आपके 15 क्वेश्चन ही आएंगे। हो सकता है कि GK के वो 20 क्वेश्चन दे दे, हो सकता है कि 10 ही दे, बाकी कोई सेक्शन में किसी का बढ़ा दे, किसी का कम कर दे, उसके लिए उसने कोई गारंटी नहीं ली। तो जो बच्चा ये भी सोच के जा रहा हो कि मैं एक सेक्शन पूरा छोड़ दूँ, तो हो सकता है कि उस सेक्शन में से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, तो आपके दिक्कत हो सकती है, मतलब मार्क्स कम आ सकते हैं, है ना। तो ये भी मत छोड़ के जाना कि मतलब एक सेक्शन कंप्लीट छोड़ दिया। हाँ, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो तो चल सकता है कि कोई एक आधा टॉपिक छोड़ दिया, जैसे मैथ्स में से या क्वांट एप्टीट्यूड में से एक टॉपिक मेरे को टफ लगा, तो वो जैसे टिग्नोमेट्री, जैसे कोई बच्चा दे रहा है आर्ट्स वाला वगैरह, है ना, कॉमर्स वाला, तो उनको टिग्नोमेट्री थोड़ा सा जमता नहीं, तो टिग्नोमेट्री का सेक्शन छोड़ दिया, तो वहाँ पे कुछ एक आधा क्वेश्चन हुआ, एक दो क्वेश्चन हुआ, तो उसको 75 से 60 बनाने में उन 15 क्वेश्चन को वहाँ मार्जिन ले लेंगे,
ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो छोड़ के नहीं जाना, सिलेबस पूरा कवर करो। नहीं पता कौन से 15 क्वेश्चन आपको छोड़ने, कौन सा सेक्शन कम आने वाला, कौन सा सेक्शन ज़्यादा आने, बट ये अभी CUT ने लेटेस्टली अपलोड किया लेटेस्ट कि नया सिलेबस, मतलब सिलेबस तो वही है, सेक्शन का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो उन्होंने चेंज करा। ठीक है डियर, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हम इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। CUT होने वाला बहुत बड़ा एग्ज़ाम है इंडिया लेवल पे, क्योंकि बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेने वाली, इवन BTech के लिए भी एडमिशन लेने वाली है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो कुछ डल रहे हैं, कुछ और डल रही इंफॉर्मेशन, कुछ और आपको रिक्वायरमेंट है कि हाँ इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि हाँ सर इस टाइप की वीडियो और चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने फॉर्म वगैरह फिल कर लिया होगा CUT का भी, उसमें भी कोई दिक्कत हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी क्या मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना। हल्का सा चेंजेस है, सेक्शन वाइज नहीं होके ऐसा आ गया तो 75 में से 60 क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, कोई और इन्फॉर्मेशन होगा तो आपके लिए साथ जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।